वक्त की सरकारों ने इनको आज तक नजरअंदाज किया है। आज भी ये बाड़ी एरिया में आज भी लोगों के पीने का पानी इनको मुहैया नहीं किया जाता। आज भी ये पानी की टैंकियां बाजार से खरीदते हैं 800-800 रुपए की दो में। ये लोग गवाह हैं इस बात के कि इनके घरों तक मैंने सड़कें पहुंचाई, इनके घरों तक मैंने स्कूल दिए। जो लोग कुछ कर सकता था, जो भी मेरे पास आया, मैंने कभी उनको रोका नहीं। जब भी इनके कोई अत्याचार होता था, आज तक हमेशा धमका के एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ा गया। जो इनसे थोड़ा हाथ आता था, उनके घर में शाम को ऐसा करा जाता था, उनके घर में पुलिस चली जाती थी, डराते थे उनको कि नहीं भैया तुम थोड़ा पार्टी के साथ नहीं जोड़ोगे तो तुम पे PSA लग जाएगा, तुम पे झूठा केस लग जाएगा। डरा के इन लोगों को जो है अपनी जेल में रखा गया, अपनी पॉकेट में रखा गया। इनको वही खोखले नारे, इनको वही खोखले वादे। शायद अगर ये लोग वहां इलाज के लिए गए, अगर डॉक्टर साहब और उन जैसे लोग ही रहे, शायद वहां बोर ना लगे कि कोई अंदर इलाज करने की इजाजत भी नहीं होगी। साहब शायद करें, आप जिस दफ्तर में बैठे उसी लीडर की बात पे चले ना, वो तो लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, आप तो लोगों को तोड़ने की बात करते हैं, आप तो खितों को लड़ाने की बात करते हैं। किस बात की आप बात कर रहे हैं, किस तरह की आप बात कर रहे हैं, किन लोगों की तरक्की की आप बात कर रहे हैं? आप तो कहीं ये तो नहीं लगा कि आप यहां पर भी बंगाल और आसाम के इलेक्शन लड़ रहे हैं? शायद बंगाल और आसाम में जो आप इलेक्शन में बोलेंगे वो सब चलेगा, लेकिन जम्मू और कश्मीर में आज भी आप चाहते हैं कि जम्मू वाले कश्मीरियों से और कश्मीरी जम्मू वालों से लड़े? ये कौन सी सियासत है, ये किस लीडर की सियासत है? मैं वसूल से कह सकता हूं ये आपके वजीर आजम और मेरे वजीर आजम की सियासत तो नहीं है। और एक चीज और डॉक्टर साहब, आज 1947 में और ना आज 2019 है, अब 2021 है। हम बखूबी जम्मू कश्मीर के लोग समझ रहे हैं कि हमारे बीच कौन बात करता है या हमारे बीच कौन बात करता है। आपने काफी मसले उठाए यहाँ। उससे पहले एजाज साहब ने, वीर साहब ने, जुल्कार साहब ने, सब साथियों ने यहां बात की, लेकिन उस बात के बाद भी एक चीज मैं आज एक्सेप्ट करने को तैयार हूं कि शायद हम सबसे कहीं कोताहियां रही होंगी कि जिस गहराई से आपकी नस्लों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, शायद हम भी कहीं नाकाम हुए होंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस वक्त हम ने पार्टी का गठन किया वो दिल्ली पहुंचे, ये 15 मार्च की बात है, जब हम वजीर आजम से मिले उस मेमोरेंडम में भी ये बात थी कि साहब क्या वजह है अगर पूरे मुल्क में फॉरेस्ट राइट एक्ट अप्लाई हो रहा है जम्मू कश्मीर, अब जब आपने हमारी पहचान भी को खत्म कर दी, तो ये एक्ट अगर हमारे लोगों के हित में है ये क्यों नहीं अप्लाई होता है? 16 तारीख को मुझे अभी भी याद है कि 16 तारीख सुबह मार्च की 16 तारीख को जब हम होम मिनिस्टर साहब से मिले तो उन्होंने डाइस पे बैठे ही अपने साथ होम सेक्रेटरी को बोला कि ये कल हो जाना चाहिए। और मैं आपको मुबारकबादी देता हूँ, साहब को मुबारकबादी देता हूँ, चौधरी जुल्फिकार साहब को मुबारकबादी देता हूँ, कमर साहब को मुबारकबादी देता हूँ कि 16 शाम को ही ये लागू होता है और जम्मू कश्मीर। ये दूसरी बात है कि यहाँ की इंतजामिया ने, जिस इंतजामिया ने आपको विजयपुर से उठाया,
जिस इंतजामिया ने आपको जगह जगह से अपनी उन जमीनों से उठाया जहां 47 से आप रह रहे थे या 47 से पहले से भी रह रहे थे, उस इंतजामिया ने एक साल लगाया कि वो कमेटियां बनाने में, जिन कमेटियों के जरिए से आपको वो हक मिलते, जिस हक के आप हकदार हैं। ये नहीं है कोई हमने कोई आप पे एहसान रखा कि वहां काम सब रुक गया, जो प्रोजेक्ट हम वहां शुरू हुए थे वो सब रुक गए हैं और सब जमुन में हो गया। थोड़ा फोन तो नेशनल हाईवे से मुड़ा तो मुझे लगा शायद मैं कश्मीर में पहुंच गया। एक थोड़े से लाने के लिए मुझे लगा कि शायद मैं कश्मीर में पहुंचा। फिर जैसे वो कहते हैं ना सपने की झलक लगी तो लगा नहीं सब लोग, वो झलक सपने की नहीं थी, उस रोड का हाल था। मैंने कहा नहीं था कश्मीर भी नहीं है, कश्मीर तो रास्ते ही तूफान के हैं, ये कहाँ। जितेंद्र सिंह जी को मैं बुलाता लेकिन अब तो वो पीएमओ में बैठे होंगे इस वक्त। मैं उनको कहता साहब जरा आओ यहाँ मुझे दिखाओ, तो आपने अखबार में कहा क्या ये जम्मू नहीं है, ये तो 20 किलोमीटर दूर ही है उस जगह से जहां आप रहते हैं। शायद वो गांधीनगर की बात कर रहे थे, और अगर गांधीनगर की बात की डॉक्टर साहब मुबारकबाद है कि आपने वो बात सही कही कि जम्मू में उस गांधीनगर में तरक्की हुई है, क्यों हर साल मैग्नाइजेशन होती है, इस साल शायद उनके घर के बाहर पहले ही जल्दी हुई होगी तो जरूर दिखा होगा कि बहुत तरक्की हुई। और जहां वो क्रेडिट लेते हैं कि हमने जम्मू का एम चालू किया, मैं डॉक्टर साहब को याद दिलाऊं तबका के लोगों को उठा के दूसरी जगह बसाने की बात की है, और अल्पा साहब इस चीज के गवाह है कि हमने आपसे सरकार से उस वक्त यही एक बात कही कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है हम किसी ताबीर तरक्की में किसी प्रोजेक्ट की मुखालफत नहीं करते, लेकिन प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको सिर्फ बजट का खुला नजर क्यों आता। आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, आपको कोई स्कूल बनाना है, आपको कोई अस्पताल बनाना है, तो आपको सिर्फ बुजुर्गों की जमीन ही नजर आती है जहां बुजुर्ग बसा।